हरे कृष्णा, आज हम एक और कहानी सुनेंगे, कृष्ण की माखन चोरी की लीला। कृष्ण एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलके माखन चोरी का प्लान करते हैं और एक दिन वो माता प्रभावती के घर जाते हैं। देखते हैं कि माता घर पे नहीं है, छुपके सारे ग्वाल बाल चारों तरफ घर में ढूंढते हैं कि माखन कहाँ पे रखा हुआ है। तो वो ढूंढते ढूंढते उनको कहीं माखन नजर नहीं आता है, लेकिन तभी उनमें से किसी एक ग्वाल की नज़र ऊपर पड़ती है, देखा कि माखन घर में लटका हुआ है छत से। तो किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कैसे माखन को हत्याया जाए, कैसे माखन हाथ में लगेगा। तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। तभी एक ग्वाल बहुत ही आकर्षक योजना देखता है कि हम सभी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे पिरामिड की एक आकार बना करके, सबसे ऊपर जो ग्वाल होगा उस माखन के मटकी को उतार लेगा नीचे। तो इस तरह से सबने एक के ऊपर एक सभी ग्वाल ऊपर चढ़ते हैं और सबसे ऊपर वाले ग्वाल ने जैसे मटकी को अपने हाथ में लिया, वो मटकी नीचे छिटक जाती है और नीचे गिर के टूट जाती है। और जैसे वो माखन बिखर जाता है, सभी वहाँ माखन को उठा उठा के खाने लगते हैं और कृष्ण भी सभी को माखन बांटते हैं, सभी ग्वाल वालों को माखन देने लगते हैं और पास में जितने भी बंदर हैं उनको भी माखन खिलाते हैं। तो सभी लोग माखन वहाँ पर खा रहे होते हैं और तभी इसी दौरान अचानक माता प्रभावती वहाँ पर आ जाती है और वो देखती हैं कि कृष्ण यहाँ पर माखन चुरा रहे हैं। तो तुरंत वो कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और पकड़ के उनकी माता यशोदा के पास लेके जाती हैं। और इस दौरान जब लेके जाती हैं, जैसे ही वो अपनी माता यशोदा के पास पहुँचती हैं, बोलती है, माँ यशोदा, आपका ये जो कृष्ण है बड़ा नटखट है, माखन चुराता है, आज मैं उसको रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया बताती, नहीं नहीं, आप देखिए, आप अपने बेटे को पकड़ के लाई हैं। नहीं नहीं, मैं कृष्ण को पकड़ के लाई हूँ। लेकिन जैसे ही वो देखती है, अरे ये तो मेरा बेटा है, चंद्रू तुम कहाँ से आए? उनके बेटे का नाम चंद्रू होता है। तो बोलता है, चंद्रू तुम कहाँ से आए? वो उस दिन बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, बड़ी विस्मित हो जाती हैं, कन्फ्यूज हो जाती हैं कि ये चंद्रू कहाँ से आ गया, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। और इसी तरह से वो परेशान होकर के वापस अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो यशोदा मैया घर से बाहर निकलती है, देखती, अरे ये तो वही कृष्ण है। तो इस तरह से कृष्ण बोलते हैं, माँ प्रभावती, मैं आपका माखन बहुत ही स्वादिष्ट है और आप, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मुझे माखन क्यों नहीं खाने देते हैं? अगर आप मुझे माखन नहीं खाने देंगी तो अगली बार अपने पति को अपने हाथ में पाओगी। तो इस प्रकार कृष्ण अलग अलग लीलाएं करके और अपने अपने ग्वाल बालों से, पूरे वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करते हैं कि अगर वो माखन नहीं भी खिलाते हैं तो उनके घर जाके माखन चोरी करके खाते हैं। तो यह है कृष्ण की एक और माखन चोरी की लीला। ये थी आज की कहानी। अगली कहानी में अगली बार फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।